क्या बच्चेदानी की पोजीशन बच्चा ठहरने के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं? बच्चेदानी की आपके शरीर के अंदर कैसी पोजीशन है, वह आगे की तरफ झुका हुआ है या पीछे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि आपकी बच्चेदानी या यूट्रस एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है, क्या इस चीज़ से यह फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर बच्चा जल्दी ठहरेगा या बच्चा ठहरने में समय लगेगा? आइए हम इसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे कि बच्चेदानी की पोजीशन का आपके प्रेग्नेंट होने पे क्या असर आता है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगी कि आपका यूट्रस एंटीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है, यानी कि उसकी क्या पोजीशन है, उससे कंसीव करने पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैक्सिमम महिलाओं की जो पोजीशन होती है वो बाय बर्थ होती है, यानी कि या तो वह जन्म से एंटीवर्टेड होगा या जन्म से रिट्रोवर्टेड होगा, यानी कि आगे की तरफ झुका हुआ या पीछे की तरफ झुका हुआ। जो आगे की तरफ झुके हुए बच्चेदानी होती है उसे हम एंटीवर्टेड यूट्रस कहते हैं और पीछे की तरफ टिल्टेड यूट्रस को हम रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। मैक्सिमम महिलाओं में बच्चेदानी की पोजीशन एंटीवर्टेड होती है। लगभग 80% फीमेल्स में यूट्रस बच्चेदानी एंटीवर्टेड होता है। 20-25% महिलाओं में 20-25% महिलाओं की बच्चेदानी रिट्रोवर्टेड होती है। एंटीवर्टेड यूट्रस एक नॉर्मल पोजीशन कंसीडर की जाती है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस, जैसे कि हम पीछे की तरफ झुका हुआ यूट्रस कहते हैं, उसी के अंदर ये रहता है कि बच्चा ठहरने में टाइम लगेगा या कंसीव होने में दिक्कत आना, ये चीज़ें रिट्रोवर्टेड यूट्रस के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं एज़ कम्पेयर टू एंटीवर्टेड यूट्रस के साथ। तो हम ये जानेंगे कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस क्या होने से ही सिर्फ कंसेप्शन नहीं होगा, ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका यूट्रस रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस जिन महिलाओं का होता है उनको पीरियड्स के अंदर जो पेन होता है वह थोड़ा अधिक की साइड में होता है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस के साथ महिलाओं को यूरिन की प्रॉब्लम कॉमनली आती है, यानी कि उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, UTI हो जाता है, पेशाब में जलन होना, ऐसी तकलीफें बार बार आती हैं। यूरिन का बार बार प्रेशर बनना, यानी कि बार बार ऐसा लगना कि यूरिन जाना है जाना है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस में ये भी कॉमन होता है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस के साथ रिलेशनशिप के टाइम पे भी दर्द थोड़ा अधिक के कारण होना, ऐसा हो सकता है। आपके पेट का निचला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो, यानी कि आपकी बेली थोड़ी प्रोट्रूडेड हो, यानी कि आप मोटे नहीं हैं लेकिन पेट का निचला हिस्सा थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है, तो भी आपका यूट्रस उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपका जो बच्चेदानी है वह रिट्रोवर्टेड है, यानी कि यूट्रस रिट्रोवर्टेड। और कुछ महिलाओं के अंदर बच्चेदानी रिट्रोवर्टेड होती है लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं होते, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें ये पता तब चलता है जब हम या तो मरीज़ का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आपको चेकअप करता है और वो बताता है कि आपका यूट्रस रिट्रोवर्टेड है, या फिर जब आपकी सोनोग्राफी होती है और उसके अंदर नज़र आता है कि आपका यूट्रस रिट्रोवर्टेड है। तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस आपको पेन दे सकता है, यूरिन प्रॉब्लम दे सकता है, आपको हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना दे, सिर्फ वो डायरेक्टली सोनोग्राफी या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पता चले। तो देखिए, रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता तो यूजुअली बाय बर्थ है लेकिन कभी कभी ये एक्वायर्ड भी होता है, यानी कि आप पैदा तो एंटीवर्टेड यूट्रस के साथ हुई लेकिन कुछ चेंजेस आपके शरीर में ऐसे हुए जिसके कारण आपकी बच्चेदानी रिट्रोवर्टेड हो गई। तो जो महिलाओं के अंदर बाय बर्थ रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है, यानी कि जन्म से ही बच्चेदानी पीछे की तरफ सरकी हुई होती है, पीछे की तरफ टिल्टेड होती है, सरकी नहीं होती, टिल्टेड होती है, उनके अंदर कंसीव करने का रिस्क, कंसीव करने की पॉसिबिलिटी कम नहीं होती है। यानी कि अगर आपका बच्चेदानी, अगर आपका यूट्रस बाय बर्थ रिट्रोवर्टेड है तो वो एज सच आपके कंसीव करने के पोटेंशियल को, यानी कि बच्चा ठहरने की कैपेसिटी को कम नहीं करता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि यानी कि अगर आपका रिट्रोवर्टेड यूट्रस बाय बर्थ है तो आपको कंसेप्शन में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका ये यूट्रस एंटीवर्टेड था लेकिन बाद में रिट्रोवर्टेड हुआ है, यानी कि किसी कारणवश अगर रिट्रोवर्टेड हुआ है, जैसे कि बाय चांस कोई पेल्विक सर्जरी हुई जिसके अंदर एडिशंस बन गए और आपका यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो गया, या फिर आपके अंदर फाइब्रॉइड्स डेवलप हुए जिसने आपके यूट्रस को रिट्रोवर्टेड कर दिया, या यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ, PID हुआ,
जिसके कारण बच्चेदानी रिट्रोवर्टेड पोजीशन में चली गई, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी हुई जिसके कारण एडेशंस बने और बच्चेदानी रिट्रोवर्टेड हो गई, तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका बाय बर्थ रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर इन कारणों से यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो गया है तो हमें इन कारणों को ठीक करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये चीज़ें फिर कंसीव करने में दिक्कत दे सकते हैं। इन अगर आपका इन कारणवश यूट्रस रिट्रोवर्टेड हुआ है तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत आएगी बच्चा ठहरने के लिए। बाय बर्थ रिट्रोवर्टेड यूट्रस कंसीव करने में दिक्कत नहीं देता है। आई होप बच्चेदानी की पोजीशन और उसका क्या असर आपके कंसेप्शन पे होता है ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। और आपको प्रेगनेंसी जल्दी कैसे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यूट्रस की लाइनिंग के बारे में, ओवुलेशन के बारे में, इन सभी चीज़ों के अंदर डिटेल में जानना हो तो मेरे डेडिकेटेड वीडियोज़ इनके ऊपर हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। थैंक यू।